अब जब निर्भया के दरिंदों को, गुनहगारों को फांसी हो चुकी है, तब मैं आपसे एक डर शेयर कर रहा हूं। मेरे भीतर यह डर तब बैठा जब पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर पर मैंने निर्भया का वो बॉयफ्रेंड, जो उस वक्त बस में मौजूद था जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, उस बॉयफ्रेंड की हकीकत ट्विटर पर लिखा कि कैसे वो निर्भया के साथ हुए हादसे की दास्तां सुनाने के बदले चैनलों से पैसे ले रहा है, 50,000, 75,000, 1,00,000 लेकर इंटरव्यू दे रहा है। मुझे आक्रोश गुस्सा ये आया कि कैसे कोई शख्स जो विटनेस है, जिसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ, उस वो कैसे पैसे लेकर चैनलों पर बार बार कहानी सुना सकता है। इसी गुस्से में मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन अपनी टीम से करवाया और उसमें 70,000 रुपये लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में वो कैद भी हुआ। लेकिन जब चैनल पर चलाने की बात आई, मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, तो हमने कलेक्टिव फैसला लिया कि नहीं, ये चलाने से केस कमजोर हो सकता है और निर्भया के गुनहगारों के जो वकील हैं अपने पक्ष में इस बयान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाया, लेकिन जब सब जगह से उसे सजा हो गई, दया याचिका खारिज हो गई, तब पिछले साल मैंने ट्विटर पर लिखा। लिखने का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि इतनी देर से क्यों बोले, तब क्यों नहीं बोले। लेकिन तब भी मैंने बार बार यही कहा कि तब हमने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि इसको दिखाने से, अगर उस समय दिखाते, केस कमजोर होता और उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाता। और हुआ यही कि निर्भया के वकील एपी सिंह ने हर अदालत में, पिटीशन में, बचाव में मेरे उस ट्विटर पर लिखे मेरे जो शब्द थे उसको बयान के तौर पर, मेरे बयान के तौर पर कोर्ट में दिया और बार बार कहा कि मुझे बुलाया जाए और उसके बाद उस गवाह की, निर्भया के बॉयफ्रेंड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हर रात बेचैनी भरी रात बीती जब जब कोर्ट में उसने दिया, जब जब रिपोर्टर ने मुझे भेजा कि आज आपके बयान को लेकर एपी सिंह ने कहा, मैं सो नहीं सका। और एपी सिंह ने मुझे 2-3 बार फोन भी किया, शायद मेरा फोन रिकॉर्ड करना चाहते थे। मैंने फटकार लगाई कि अब आपसे बात मैं निर्भया को, फांसी के दरिंदों को फांसी मिलने के बाद ही करूंगा। आज मुझे सुकून है, मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब उसे फांसी मिले। लेकिन जब कोर्ट में एपी सिंह ने कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इस पिटीशन में, कभी उस पिटीशन में मेरे उस लिखे का जिक्र किया और अलग अलग चैनलों के रिपोर्टर जो अदालती कार्यवाही को कवर करते थे वो मुझे उसकी क्लिपिंग भेज देते थे या अंदर की जानकारी भेजते थे या किसी अखबार में छप जाती थी खबर वो भेजते थे या कोर्ट के बयान जो एपी सिंह कोर्ट में सवाल उठाता था वो भेजते थे, मैं बहुत बेचैन हो जाता था। यकीन मानिए, कई दिन ऐसा हुआ कि मैं लंच नहीं कर पाया या शाम को डिनर नहीं कर पाया इस बेचैनी में कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अदालत मेरे उस बयान का कॉग्निजेंस ले ले और कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे निर्भया के दरिंदों को फायदा हो। आप में से किसी एक ने ट्विटर पर मेरे उस लिखे के नीचे कमेंट में भी लिखा था कि अजीत अंजुम जी, अगर आपने जो लिखा है इसका अगर अदालत में कॉग्निजेंस ले ले और कुछ उल्टा हो गया तो आप जीवन भर खुद को माफ नहीं करें। मुझे याद है वो पढ़कर मुझे वाकई भीतर से बहुत लगा कि हे भगवान, कुछ ऐसा मत करना कि वाकई जीवन भर में मैं प्रायश्चित करने लायक भी न रहे। एपी सिंह ने जब मुझे 2-3 बार फोन किया, उनकी मंशा संदिग्ध लगी। फोन पर वो कह रहे थे, उनका सवाल था, कह रहे अजीत अंजुम जी कैसे हैं, ये निर्भया के अक्यूज को कैसे बचाया जा सकता है। मुझे लगा कि ये शख्स मेरे बयान को, जो फोन पर मैं कुछ भी कहूंगा उसको भी रिकॉर्ड करना चाहता है, उनको भी डांटा। लेकिन सबसे चिंता तब हुई जब निर्भया की माँ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लेकर कह दिया कि एक अजीत अंजुम पत्रकार हैं, उन्होंने भी कुछ लिख दिया है, ये सब लिखने बोलने की अभी जरूरत क्या थी। फिर मुझे किसी रिपोर्टर ने फोन करके बोला कि आज आपका नाम लिया है निर्भया के। उस दिन न मैं लंच कर पाया न डिनर कर पाया, सोचता रहा कि हे भगवान, निर्भया की माँ की भी सुनना और मेरी भी सुनना, मेरी मंशा कभी गलत नहीं थी, निर्भया के दरिंदों को किसी भी सूरत में फांसी के तख्ते तक भेजना। मेरी हसरत भी पूरी हुई है, निर्भया को भी इंसाफ मिला है, निर्भया की मां जो चाहती थी वो भी हुआ है और मैं भी दोष हूं।